तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब साइड में हमारे पूरे टेंट सिटी है और हम यहाँ पे बीच पे बीच बहुत ही बढ़िया है। तो अभी ये सारा एरिया अभी बचा हुआ है जो कि हमें विजिट करना है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ वाराणसी। आई थिंक दिस इज़ आर डे 4। आज का प्लान बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे हाथ में पूरा मैप है। पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम पूरा का पूरा मैप एक भैया के साथ, नीचे हमारे जो मैनेजर हैं उनके साथ हम डिस्कस कर रहे थे। सो और ये पूरा का पूरा मैप है। इस मैप के थ्रू हमारा अभी ये घाट सारी कवर हो गई है। अब हमें जाना है इधर अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कैटिसार और रामनगर फोर्ट और संकट मोचन हनुमान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, तुलसी मानस, काल भैरव वहाँ पे जाना है और जाना है डेलिकेंट और जाना है सारनाथ। तो अभी ये सारा एरिया अभी बचा हुआ है जो कि हमें विजिट करना है, इसलिए हमने स्कूटी आज रेंट कर ली है और वो नीचे खड़ी है हमारी स्कूटी। दीपिका नीचे पहुँच गई है, मैं भी बस नीचे जा रहा हूँ। सो फटाफट से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी हम जा रहे हैं कांटेसर, क्योंकि ना अभी मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ना ड्रोन शॉट्स लेने हैं और जिसके लिए मैं काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि बाहर देखो रोशनी हो चुकी है और रोशनी के बाद फिर ज़्यादा धूप निकल आएगी तो दिक्कत होगी क्योंकि हमें और भी बहुत ज़्यादा घूमना है। तो अभी फटाफट से चलते हैं और बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं आज के सीन्स, आज के कुछ खाने पीने को भी एक्सप्लोर करेंगे। भैया ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं हमें करने के लिए, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे जो भी चलता रहेगा। क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ड्रोन का सिग्नल लॉस्ट हो गया था, तो उस वजह से मैं ड्रोन शॉट्स नहीं ले पाया था। रात को मैंने जाके लिए थे, बट अभी जो मेरे को सुबह वाले लेने हैं वो अब चल रहे हैं हम स्कूटी पर। फटाफट हेलमेट है, चेक करिए, तो चाबी लगा के देख लें, पता चल जाएगा कहीं अपने लगती है। पहले तो ये टी वी एस है, वो एक्टिवा की है, बात ही खत्म हो गई। जब हो गई तीन में से दो ऑप्शन, यही वाली है, यही है ना, यही है। जाना है अब श्री गुरु रविदास गेट, येरा देख सागर रत्न, बनारसी बिरयानी सब कुछ है यहाँ पे, रोमास कैफे येरा। ओहो यही तो है मेन कैफे। देखो जगह जहाँ जहाँ पे हम नहीं जाएंगे ना, बट जो भी हमको रिकमेंडेशन मिलेगी वो हम आपको बता देंगे, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, अब साइड में हमारे पूरे टेंट सिटी है और हम यहाँ पे बीच पे बीच बहुत ही बढ़िया है। पीछे सनराइज़ हो रहा है, स्कूटी हमने पीछे लगा दी है और हम अभी नदी की तरफ जा रहे हैं, गंगा की तरफ, और सामने सारी टोटल घाट है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आके तो सही में ऐसा लग रहा है वर्थ इट। यहाँ पर बैठे सामने कुछ लोग, एक आदमी योगा भी कर रहा है, बाकी सब यहाँ पे फन कर रहे हैं। ऊँट वगैरह भी हैं वहाँ पे, ऊँट वाली एक्टिविटीज भी होती है अगर आपको ऊँट की वो करनी है तो। ऊँट राइड, ऊँट वाली एक्टिविटीज कौन सी? ऊँट राइड जो भी होता है, ऊँट राइड, कैमल राइड ब्रो, कैमल राइड, नो ऊँट राइड एंड नो ऊँट एक्टिविटी। देखो भाई अभी हमें यहाँ पे कांटेसार,
खाते सर जो भी लिखा हुआ है ये अभी हमें यहाँ पे, अब हमें यहाँ से वापस जाना है इस ब्रिज से होके, और हमें जाना है तुलसी मानस टेम्पल, दुर्गा टेम्पल। सबसे पहले दुर्गा टेम्पल चल रहे हैं, फिर तुलसी मानस। यहाँ पे तुलसीदास ने तुलसी मानस लिखी थी, क्या लिखी थी, रामचरितमानस लिखी थी यहाँ पे तुलसीदास ने। तो यहाँ पे जा रहे हैं तुलसी मानस टेम्पल, उसके बाद जाएंगे संकट मोचन हनुमान टेम्पल। यहाँ पे थोड़ी बंदर वगैरह से अपना सामान थोड़ा बचा के रखना है, बाकी सब एकदम बढ़िया। और उसके बाद यहाँ से हम चले जाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद का प्लान उसके बाद बताते हैं, पहले भी ये चार चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलो, काश ये क्रूज पहले चलता तो मैं इसका ड्रोन शॉट लेता। कोई नहीं, कल बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, शाम को देख लेंगे, बहुत टाइम है। ये जो आपको जो टेंट सिटी दिख रही है, इसका नाम है निरान, निरान द टेंट सिटी वाराणसी। पूरी सिटी आपने ड्रोन शॉट्स देख ही लिए होंगे, बहुत अमेजिंग है। और एक और चीज़, जब यहाँ पे रेनी सीज़न होता है तब ये सिटी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, मतलब कि ऐसा हमें बता रहे थे, यहाँ पे जब रेनी सीज़न होता है, जब वाटर लेवल बढ़ जाता है या पीछे से डैम ओपन हो जाते हैं, तो डैम जो पुराने डैम है और तो ना बहुत ज़्यादा पानी आता है गंगा में, और ये जितनी आपको बीच दिख रही है पूरी की पूरी, ये पूरी गंगा के अंदर कवर हो जाती है, फिर ये दोबारा से गंगा के अंदर ही, तो पानी में ही, तो पानी के अंदर पूरी की पूरी कवर हो जाती है। मतलब यहाँ पे इतना लेवल हाई हो जाता है, जितनी भी आपको घाट की दीवारें दिख रही है ना ऊपर तक, सारी स्टेयर्स पानी के अंदर होती हैं, और पूरा सड़कों तक पानी चल जाता है, अंदर कॉलोनीज में भी इतना पानी यहाँ पे आता है, कॉलोनी में भी नाव चलती है, यहाँ पे इतना पानी आ जाता है गंगा का, और ये सारे टेंट ये सारे अपना पैकअप करके चले जाते हैं, और इसीलिए इसको टेंट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आराम से अपना पोर्टेबल है, जैसे पानी वानी आएगा ये अपना टेंट लेंगे और अपना चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आते हैं दोबारा से सीज़न आने पर, ठंड आने पर, और फिर उस टाइम तक रहते हैं जब तक ज़्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी टेंट में देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस वजह से। और उसके बाद तो देखो आपको पता है मानसून आ जाता है, सो टेंट सिटी के आने का बेस्ट टाइम मेरे को जो लगता है वो है विंटर्स, दैट्स इट। हम अपनी अभी पहली डेस्टिनेशन, टेम्पल की पहली डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं, ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर। वैसे तो हम जा रहे थे दुर्गा मंदिर, हमें रास्ते में ये मिल गया रास्ता भटकने के बाद, पर ठीक है अभी यहाँ पे संकट मोचन हनुमान मंदिर जाते हैं। और स्कूटी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी, यहाँ पे सारी पार्किंग है, और कुछ ऐसा दिखता है साइड का व्यू, और यहाँ से अब जाना है अंदर। बट अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अंदर बंकीज बहुत ज़्यादा है, तो अपने कैमरे मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों को बचा के रखना है। अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो दीपिका भी यहीं पे रुक रही है, मैं कैमरे वगैरह इसी को देके जा रहा हूँ, अगर मैं अकेला जा रहा हूँ फिर ये चली जाएगी। वहाँ से अब थोड़ी सी आगे हम आए हैं, तो यहाँ पे आ गया है तुलसी मानस मंदिर, जहाँ पे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अब यहाँ पे भी हमने अंदर पूछा, अभी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, और अंदर तो हम हुआ है, ये वाली वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि जब कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था तो पहले बनाओ बाद में बनाओ, बात तो एक ही है, बाहर से दिखता है कुछ ऐसा। इसके बाद अब हम ढूंढ रहे हैं दुर्गा मंदिर। ये जो तीन मंदिर है, ये तीनों ना बिल्कुल आसपास में है, थोड़ा इसे देखो हम उसके से 100 मीटर आगे चले हैं, तो यहाँ से आ गया है रेड कलर का ये दुर्गा मंदिर। जो मेरे जो पीछे वाला गेट था, कैमरा सिर्फ यहीं तक अलाउड था, उसके बाद कैमरा अलाउड नहीं था, अंदर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते दुर्गा मंदिर में, तो मैं जहाँ तक आपको दिखा पाया वहाँ तक मैंने दिखा दिया। अभी दीपिका जा रही है दर्शन करके आ रही है, तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, पहले वो वेट कर रही थी, और इसी गेट तक ही जा पाए, अंदर से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। तो अभी हमने यू टर्न लिया, यहाँ पे एक कचौरी वाली है, एक गाली वाली चाची, गाली वाली चाची की कचौरी यहाँ पे बहुत फेमस है लंका के चौक पे, तो हम यू टर्न लेके वापस आए हैं, और चौक पे ही है यहाँ पे, अभी बताया कहाँ पे है, हाँ ये रही ना चाची की दुकान, प्रसिद्ध चाची, अरे तो मैंने अभी देखी थी, तो यहाँ से आप कचौरी खाएंगे, ये रही प्रसिद्ध चाची की दुकान 1915। चलो भाई चाची की कचौरी खाते हैं। देखो चाची तो है नहीं, पर उनके जो भी चाची के जो भी ग्रैंड सन है, उनकी जो पीढ़ी है वो भी चला रही है इनको, तो यहाँ पे आज कचौरी ट्राई करेंगे। पूड़ी को कचौरी बोलते हो? पूड़ी को कचौरी, ये पेड़ में है, दाल है पेड़ में, सब मिक्स रहता है, तो ले लेना फिर एक प्लेट। चाची की कचौरी है फेमस, यहाँ की फेमस दुकान है, वो कचौरी बनारस की टीम में रखा है, एक खस्ता होगा एक छोटी कचौरी, छोटी कचौड़ी, ये कचौड़ी, ये भी कचौड़ी, कचौड़ी नहीं ये कचौड़ा है, ये आटे वाली है, वो सब मैदे वाली होती है। धन्यवाद भैया।
तो बहुत फेमस दुकान है, धीरे धीरे देखो कितनी भीड़ लग चुकी है यहाँ पे। अभी तक ना हमें कहीं की ये ना पूरी सब्जी पसंद नहीं आई थी, बट यहाँ पे आके हम सारी खा गए हैं। ये तीसरी बार फिल कराई है और यहाँ पे जलेबी भी खा ली है, नहीं तो हमें ये लग रहा था क्या जलेबी पूरी यही सब खाते हैं, ये सब कचौरी। अब हमने रिपीट कराई है और आ रही है अभी, और इसको देखो मज़ा आ गया। मेरे को खाने नहीं थी लेकिन मैंने दोबारा मंगाई। भाई ये तो मस्त ट्राई है। यहाँ पे चाची की दुकान 1950 में बनी है, बाकी ये सब लोग यहाँ पे बैठे ऐसे खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। ये यहाँ पे बनती है, वहाँ पे बिकती है, दो दुकानें एक साथ है, तो वो कॉर्नर वाली नहीं है, उसके साइड वाली है। और भाई सही में मज़ा आ गया। वेलकम टू बनारस। अब लग रहा है बढ़िया भाई, जलेबी इतनी क्रिस्पी है ना, मज़ेदार। मैंने आज तक ऐसी जलेबी नहीं खाई, शिवाड़ी में ना कहीं भी नहीं खाई ना ऐसी जलेबी। जयपुर में इतनी बिकती है लेकिन आज तक नहीं खाई मैंने ना ऐसी सब्जी खाई। सब्जी के अंदर इतनी अच्छा हींग का फ्लेवर आ रहा है और जलेबी इतनी क्रिस्पी, ऐसी जलेबी ऐसी ये पूरी भी नहीं खाई मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई, जो मैं बनारस में आजकल टेस्ट कर रहा हूँ। चाट पूरिया और सब्जी के अंदर पेठा डला हुआ है, पेठा आलू और पेठा और हींग का तड़का, मज़ा भैया बहुत टेस्टी था। जलेबी तो मन ऐसा कर रहा खाए जाओ पेट भरे, लेकिन क्रिस्पी बिल्कुल। नहीं अभी शुगर नहीं है तो शुगर वाली खा सकती हूँ। अच्छा शुगर फ्री भी बनाते हो? ये अभी थर्ड जनरेशन है, इनकी दादी थी जो चाची जिनको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है खिलाने वाले का कितना मन से खिला रहा है वो, भैया इतनी खुशी से खिला रहे हैं ना सबको, और इतना सबको मतलब कि इतने डाउन टू अर्थ है और इतना प्यार से सबको ट्रीट कर रहे हैं, उनका नेचर इतना अच्छा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। साथ में हम तो एक खाने गए थे, सही में हम एक खाने गए थे और छः कचौरी खाई है सोच लो, और जलेबी भी मैंने सोचा आज तो ट्राई कर ही लेता हूँ, तो दो प्लेट हमने जलेबी खाई, एक प्लेट तो ये खा गई, और इतनी क्रिस्पी इतनी टेस्टी। शुगर फ्री भी देते हैं जिसके अंदर बहुत लो शुगर होता है, मतलब एग्जैक्टली शुगर फ्री नहीं होती, बट अभी यहाँ पे बहुत भीड़ लगनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे जाना है? अब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पूछना भैया चलो कितने बजे तक खुली है, शाम को एक गेड़ी देख लेंगे ना यहीं पे रास्ते। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जो भी जलेबी हम बनाते हैं वहाँ पे, हमारे वहाँ पे कपड़े में बनाते हैं, गंदा सा कपड़ा होता है, वो सब चीज़ें होती है, मेरे को तो बिल्कुल देख के अच्छा नहीं लगता, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग। और यहाँ पे जो कुल्लड़ के अंदर नीचे छेद नीचे एक ना होल कर रखा था, तो कुल्लड़ से जो बना रहे थे ना बिना हाथ लगाए भाई, मतलब कि एक यूनिक स्टाइल यूनिक टेस्ट सब कुछ एक यूनिकनेस है। वो आ गया देखो सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट सारे कैसे घूम रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया है। यहाँ पे हमें शेक रिकमेंड किया गया है, एक बार शेक ढूंढना है, शेक कहाँ पे मिलता है। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है और ऊपर ना मधुमक्खी के छत्ते हैं बड़े बड़े, बहुत बढ़िया व्यू है यार। और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं बिरला टेम्पल, चढ़े देखो इन पेड़ों की क्या बढ़िया लग रहा है। यहाँ से अब बिरला टेम्पल जाएंगे, बिरला टेम्पल यहाँ पे बहुत फेमस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी को बहुत धीरे धीरे बना है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है सब। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, MBA वगैरह करने के लिए। जड़े देखो इन पेड़ों की कैसे ज़मीन को छू रही है ऊपर से भाई, बहुत बढ़िया सीन है। हाँ बहुत ठंडा ठंडा एरिया है बिल्कुल ना, पीसफुल। हाँ पैदल चलते रहो, बढ़िया मज़े लो, बिल्कुल पीसफुल है। मेरे जस्ट पीछे है बिरला मंदिर, और बिरला मंदिर के बाहर हमें रिकमेंड किया है कि कोल्ड कॉफ़ी शेक्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बहुत टेस्टी मिलती हैं, वो भी एक बार ट्राई करेंगे। और सामने जितनी भी आपको शॉप्स दिख रही है वहाँ पे हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं। और बिरला मंदिर जा रही है अंदर, पैरों की हालत ख़राब हो गई, नई चप्पल से बुरा हाल। ये जा रही है अभी अंदर मंदिर में, मैं बाहर बैठा इतने विश्राम करूँगा और इसका इंतज़ार करूँगा। एक कोल्ड कॉफ़ी
कोल्ड कॉफी भैया, एक बादाम शेक और कर देना, एक कोल्ड कॉफी। ये आ गई है भाई कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम एंड दिस इज बादाम शेक। अभी हम जा रहे हैं रामनगर फोर्ट, तो रामनगर वाले हम ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, जो अभी हम सुबह आए थे जब हमने ड्रोन शॉट लेने के लिए आए थे। वहाँ पे एक लस्सी मिलती है बहुत टेस्टी, ऐसा सुना है हमने, उसके बाहर मिलती है, तो हम देखो कैसा व्यू एक्सपीरियंस सारे करेंगे। इधर की साइड, इधर फोर्ट, फोर्ट में जाने का तो मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। एक लस्सी हमें 50 रुपीज़ की है, रबड़ी वाली। जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसे थे कि बहुत ज़्यादा थिकनेस थी और बहुत ज़्यादा हैवी थी, कि अगर आप सुबह सुबह अगर इसको खा इसको पी लो ना, बिल्कुल पेट ना फटने को हो रहा है। अब फटाफट चलते हैं और जाके सो जाऊंगा, तू भी सो जाइए। ये तो परेशान हो गई है पता नहीं क्यों, ना इसको लस्सी पी रही है, जब भी मैं मीठा खाता हूँ ना इसका मुँह बन जाता है। चल फिर कचौड़ी खाए, जलेबी, चलो जलेबी खाए बस, अब वापस चलो भैया, वापस चलते हैं। मेरे GoPro की ना स्टोरेज ख़त्म हो गई है, मेमोरी कार्ड भी चेंज करना है, बैटरी वैटरी भी चार्ज करनी है। यहाँ पे लस्सी पी ली, फोर्ट में अभी नहीं जा रहे, छोड़ो बस बहुत है, अब बाद में देखेंगे। कैसी थी लस्सी और कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी तो ऐसी थी जैसे जहर मिला दिया। देखो मैंने तो अच्छी पी है इसलिए मेरे लिए ऐसी थी, पता नहीं आपके लिए कैसी होगी, पर अभी तक ऐसा लग रहा है इतना हिस्सा स्नेक बाइट वेनम फुल ऑफ पॉइजन कोबरा आई एट एनाकोंडा। लस्सी ठीक थी पर मुझे लस्सी नहीं अच्छी लगी, सही बताओ। उसके ऊपर रबड़ी थी ना, जली हुई थी वो, देखो टेस्ट ही नहीं आया मुझे तो, देखो सही में पता नहीं चला। पर देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, लस्सी और कॉफ़ी जो भी मैं देख के जाना, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना, बाकी वो अच्छी थी है ना, चाची वाली, चाची चाची की कचौरी और जलेबी और लस्सी वगैरह, तो कॉफ़ी तो मतलब ऐसे हो रहा था, छोड़ आया मैं तो पहली चीज़ बीच में, ऐसे मन कर रहा था अभी जहर मुंह में से, सूर्यवंशम देखी है वो जब खीर खाते और खून निकलता है खून की उल्टी, ऐसा ही लग रहा था मेरे को, ऐसे ही भयभीत हो रहा था होने वाला है। अभी तक जी कच्चा हो रहा है मेरा, ले पानी भर के ला चल। मैं नहीं चाह रहा। अब ये सारा पारा हो गया, इतना हिस्सा यहाँ का एरिया पूरा, सारी घाट हो गई है। अब हमें जाना है यहाँ से यहाँ पे सारनाथ, और यहाँ से जाना है कैंट भारत माता टेम्पल, और फिर जाना है आलमगीर मॉस्क, और यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या थी वो, काल भैरव, यहाँ पे जाना है काल भैरव, और फिर वापस घूम के शाम को जाना है यहाँ पे, क्योंकि शाम के शॉट्स लेने हैं ड्रोन वाले जो कि रह रहे हैं, सुबह के हो गए हैं। इतने ड्रोन की यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है, यहाँ पे इसका आरसी चार्ज हो रहा है। अच्छा, हम बाइक तो स्कूटी से बोल रहा था दूसरी साइड जाने। हाँ ठीक है, फिर थोड़ी देर अभी रेस्ट वेस्ट करके नहा धो के फिर आराम से निकलते हैं। इतने GoPro पास इसका काम होने वाला है, 1.5 मिनट की स्टोरेज है, फुल होने वाला है, इतने में फुल होता है। कार्ड चेंज करता हूँ पहले तो।